CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम विश्व कवि एवं महान शिक्षक गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ইস গীত মে হে নিরন্তর আগে বড়নে কি প্রেরণা, চাহে কোই সাথ দে ইয়া না দে, আজ ভি রবীন্দ্র সঙ্গীত মে वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है। इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा। गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है। हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे एई भारतेर महामानवीर सागर तीरे। इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो। वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है। गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रवींद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे
तव शुभयाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं। देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते। रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है। और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया। कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है। यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था।
उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है। बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है। बृष्टि पड़े टापुर टुपुर आए दिए सोनार नूपुर। शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं। सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे। यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी। जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया। आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी। आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार। ए बंगाल, तुम्हारे आकाश और वायु ने मेरे प्राणों में प्रवेश किया है। और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई।
इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वाइसरॉय को पत्र लिखा। अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं। रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है। आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन। आमादेर निकेतन, आमादेर शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा, बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था, विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है। उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका। वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था, विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए।
जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा। मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं। स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे, खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले। विश्व कवि एवं महान शिक्षक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध एवं आलेख डॉक्टर कामिनी भटनागर, कलाकार नीरज शर्मा, राजश्री त्रिवेदी और रजत सेन गुप्ता, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहायक विमलेश चौधरी और गीतिका उन्याल, ध्वनि संपादन, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT।